अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान की बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही छोटी सी एक्ट्रेस यानी कि कोमल मीर के बारे में। छोटी इस पॉइंट में नहीं मैं कह रहा, छोटी एक्ट्रेस की छोटी हेड के बारे में कह रहा हूँ, इसको सीरियस ना लीजिएगा। अच्छा, कोमल मीर के बारे में बात करते चले तो कोमल मीर कहती हैं जी मेरा सेकंड ईयर का यानी ए लेवल्स का रिजल्ट आने वाला था और मुझे उसमें खदशा था कि शायद 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 मैं उसमें रह जाऊँगी, फेल हो जाऊँगी या मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगी। कोमल मीर एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं अभी तक इतनी बड़ी एक्ट्रेस शायद इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मेरा ना तो रेफरेंस है इंडस्ट्री में, ना ही मेरा कोई दोस्त है और ना ही मेरे कोई फैमिली मेम्बर इस इंडस्ट्री में जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा आगे जल्दी निकल सकती। वो कहती हैं सेकंड ईयर का जब रिजल्ट आने वाला था मुझे ये खतरा था कि शायद मैं फेल हो जाऊंगी, इसलिए मैंने कहा कुछ दिन घर से बाहर आ जाए और क्यों ना कुछ एंटरटेनमेंट की जाए। तो ये करते ही दौरान मिस बीट के ऑडिशन जो ओपन होते हैं, ये मिस बीट के ऑडिशन देने जाती है, वहां पर सिलेक्ट हो जाती हैं। मिस बीट में जाते साथ ही सोचती हैं अगर शायद इसमें काम करते साथ ही ये विन होंगी और विनर बन के वहां से निकलेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आधे प्रोग्राम के बाद इनको प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है, ये प्रोग्राम से निकल जाती है। तो बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करूं, lower half is throwing me off completely. I don't understand the shades. Jeans to chalo completely off. All I understand is the shirt. और इनको कुछ ज़्यादा फेम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी होती है इस प्रोग्राम में और बहुत ज़्यादा धक्कम फेल भी होती है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी होती है, मगर उसके बावजूद ये हिम्मत नहीं हारती और अपना काम जो है जारी और सारी रखती हैं और आधे प्रोग्राम से बैकअप होकर आ जाती हैं। उस प्रोग्राम से मिस वीट से निकलने के बाद ये अपना ए लेवल भी कम्प्लीट कर चुकी होती हैं, पास हो चुकी होती हैं और इनको कॉल आती है हम टी वी के चैनल से, हम टी वी के चैनल से कॉल आती है, समझती हैं कि शायद ये एक प्रैंक कॉल है या ऐसे फ्रॉड कॉल है, मुझे ऐसे ही बुला रहे हैं, इन्होंने मुझे कोई काम नहीं देना, सिर्फ मेरे साथ एक वक्त टाइम पास कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। बार बार कॉल आने के बाद ये अपनी वालदा के साथ हम टीवी के चैनल के दफ्तर में जाती हैं और वहाँ पर जाकर ऑडिशन देती हैं और कहती हैं वाकई ये रियल ही है, यहाँ पे वाकई मुझे ड्रामे के लिए कास्ट किया जा रहा है। इनको वहाँ पे जो ड्रामा ऑफर होता है वो होता है लोग क्या कहेंगे लीड रोल होता है, वहाँ पे इनको एज एन एक्ट्रेस रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अपना जो ड्रामा है उसको वहाँ पे अपनी एक्टिंग दिखाती भी हैं, पर इनकी डायरेक्टिंग जो वहाँ पे ज़्यादा कोई खास नहीं होती क्योंकि नई नई इंडस्ट्री में आई होती हैं, कोई इन्होंने बैकअप पर काम नहीं किया होता, इस वजह से जब ये ड्रामा नशर होता है कहती है मुझे अपना फेस भी और अपनी एक्टिंग भी कुछ अच्छी पसंद नहीं आई। उसके बाद मैंने फैसला किया आज के बाद ये एज एन एक्ट्रेस कहीं पर भी काम नहीं करेंगी। बात की जाए इनके वाले के बारे में, इनके वाले इनको इंडस्ट्री में आने से रोक रहे थे क्योंकि वो खुद ही एक छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं, मूवी के प्रोजेक्ट, फिल्म के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एज ए प्रोड्यूसर लॉलीवुड में काम कर चुके थे और वो चाहते थे उनकी बेटी भी इस फील्ड में ना आए क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए लड़कियों को अपना जिस्म जो है वो शो ऑफ करना पड़ता है और अपना जिस्म जो है वो दिखाना पड़ता है, इसलिए इनके वालिद इस फील्ड में आने से रोकते थे। मगर क्या करें कि ये इनके वालिद भी ये सुपर फ्लो जो थे प्रोड्यूसर रह चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं पापा जी मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगी और बगैर इसकी डिमांड्स के। और इसी तरह सुनोचंदा ड्रामा जो है वो जैसे ही नशर किया जाता है उसके बाद जो है फिर से कोमल मीर को कॉल जाते हैं, कहा जाते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं कि जिस तरह सुनोचंदा ड्रामा जो है ट्रेंडिंग पे गया इससे मिलता जुलता ही ये ड्रामा है और आप सुनोचंदा ड्रामे से बहुत ज़्यादा ड्रामा आगे जाएगा। कोमल मीर कहते हैं कुछ नहीं होता, अगर एक ड्रामा फ्लॉप हो गया क्यों ना अगले ड्रामे में अपनी किस्मत आजमा ली जाए, वो समझती है कि शायद ये ड्रामा चलने के बाद वो बहुत बड़ी सुपर स्टार बन जाएगी, मगर उन्हें क्या पता था ये ड्रामा नशर होने के बाद वो सुपर फ्लॉप ही एक्ट्रेस बन जाएगी। लगाती कल पेपर है मेरा है, इधर मुझे पढ़ना है। सीरियसली बहुत शुक्रिया, आपने मेरे नोट्स फोटोकॉपी करवा दिए, आपका ये साल मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, ठीक है खुश बाय। अभी तक वो छोटी एक्ट्रेस ही कहलाई जा रही थी और इसी तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत हार ली, मगर क्या करें जैसे कहते किस्मत साथ देते चले जाए और काम चलता चला जाता है। इसी तरह ऐदे वफा ड्रामे की कॉल आती है और कहा जाता है ये सेकंड लीड रोल जो है इनके लिए अवेलेबल था, बहुत ज़्यादा खुशी इन्होंने कहा कि मुझे ऐदे वफा ड्रामा में सेकंड लीड ऑफर जो है वो ऑफर हुआ है, क्यों ना इसमें भी किस्मत आजमा ली जाए। भाई मुझे खत लिखोगे ना? तुम्हारे साथ यहाँ जो जुल्म से तम होगा मुझे डिटेल्स में लिखते रहना ताकि मैं पढ़ पढ़ कर खुश होती रहूँ। वो दो से तीन दिन ऐदे वफा के सेट पर जाती हैं, वहाँ पर जाके अपने सीन्स देती हैं और काम करती हैं और फिर तीन दिन के बाद उन्हें कोई कॉल नहीं आती, ना ही वो सेट पर जाती हैं और दो मंथ के बाद जब वो ऐदे वफा के प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को कॉल करते कहते हैं कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, हमने सेकंड लीड का रोल ही काट दिया है, हमें आपके सीन्स नहीं लगाने। मेरा कैरेक्टर वाज अ सेकंड लीड कैरेक्टर, हमने तीन दिन वो शूट किए, एक महीना गुजर गया, दो महीने गुजर गए, मुझे वापस कॉल नहीं आई, मैंने सोचा मेरा सिर्फ तीन दिन का काम हुआ है बाकी का काम कब होगा, दे टोल्ड मी कि वो पूरा कैरेक्टर ही काट दिया है,
और आपका जितना काम हुआ था तो वो बस उतना ही। जब ऐसे वफा ड्रामा नशर किया जाता है तो उसमें सीन जो दो तीन लगाए जाते हैं वो सीन इतने पसंद किए जाते हैं कि ये ऐसे वफा ड्रामे से उनको थोड़ी बहुत शोहरत मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जहाँ पर मैंने इतने बड़े बड़े लीड रोल किए, इतने बड़े ड्रामे किए, मुझे वहाँ से शोहरत ना मिल सकी, मगर ऐसे वफा ड्रामा से मुझे दो तीन सीन से ही बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई। लोग मुझे बड़े पहचानने लग पड़े और लोग मुझे कहने लग पड़े कि यही है एक एक्ट्रेस। और उसके बाद उनको बादशाह बेगम की ऑफर होती है, वो समझती है कि शायद अब ये वक्त आ गया कि मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल जाऊंगी, मगर क्या करें, बादशाह बेगम ड्रामा एक से दो साल में इनकी शूटिंग कंप्लीट हुई, बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम इसमें बनाए गए, बहुत ज़्यादा ड्रामे को बारीकी से बनाया गया, मगर ये ड्रामा सबसे बड़ा फ्लॉप ड्रामा रहा और कोमल मीर की किस्मत यहाँ पर भी कोई साथ ना दे पाई। उसके बाद ड्रामा जो कि वैसे ड्रामा खुशहाल के साथ उन्होंने काम किया एज एन एक्ट्रेस, ये ड्रामा भी फ्लॉप रहा, मगर सब ड्रामे फ्लॉप होने के बाद अब वो कहने लगी कि मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगी, वो आखिरी ड्रामा में ट्राई करूंगी। और उनको आखिरी ड्रामा जो कि जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा है सिलेंडर ड्रामा ऑफर हुआ, उसमें उन्होंने एज एन एक्ट्रेस मुनीर भट्ट के साथ काम किया और ये ड्रामा सुपर हिट ड्रामा गया। और इसके बाद कोमल मीर की ज़िंदगी बदल गई और एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के लाने लग पड़ी, अब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, बहुत बड़े एजेंसी से काम कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, मैगजीन शूट्स कर रही हैं और बहुत आगे निकल चुकी हैं। वो कहती हैं मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की, अपने कदम अपना दिल साफ रखा, अपनी मेहनत जारी और सारी रखी और बहुत से लोगों से बच कर रही, इस वजह से आज मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मुझे साथ ये जिस्म फरोशी वाला या जिस्म का शो ऑफ करने वाला ऐसे कोई भी सीन नहीं रहा, बल्कि मैंने वाकया सुने कि मेरे दोस्तों के साथ ऐसे बहुत से वाकयात हुए, मगर उनको मैं कहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अपने वालिद को मैं प्रूव कर पाई कि मैं इस चीज़ को किए बगैर एक अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी हूँ और अब बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर रही हूँ। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा था और मेरे माँ की दुआएं थी, मेरे माँ बाप की दुआएं थी और आसपास के लोगों की वो आसपास लोगों की कोशिश थी जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और आज मैं यहाँ तक पहुँच सकी। तो आपको कोमल मीर की जर्नी कैसी थी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लगा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।